रास्ता भी बनाना है तो रास्ता बनाया जा रहा है मार मार के उधर, देखिए डंडा से। अभी चल रहा है सावन का महीना, तो सभी सब्सक्राइबर जितने भी हैं प्लीज जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जा कर के हर हर महादेव, जय शिव, बोल बम, जय बैद्यनाथ का नारा जरूर लगाएं। खाना खा लिए हैं दोपहर का और है रविवार। सावन में आपको पहले बताया था, पहले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, हम जाते हैं बेलपत्र तोड़ने जंगल में पहाड़ों पर। हम जा रहे हैं त्रिकुटी पहाड़, इसे बेलपत्र तोड़ेंगे और चलते हैं त्रिकुटी। सब लोग जुट गए हैं और हम लोग सब अब त्रिकुटी जाने के लिए तैयार। बहुत चढ़ाई करना है बाबंदा बताए हैं, 2 किलोमीटर। बाप रे, नुनू भैया पहले से हालत है खराब, बोलते हम नीचुए में तोड़ी लेबो। पेट्रोल लेना है, पेट्रोल जरूरत हो गया है भाई, नहीं है गाड़ी में पेट्रोल। ये फुल करिएगा क्या? कुछ नहीं, 2 किलोमीटर इसी से चलेंगे, इसी से चलेंगे पहाड़ पे 2 किलोमीटर। रेट चल रहा है 96 रुपया 42 पैसा, महंगाई मार डालेगी। गाड़ी में जो है तेल भरा गया है, अभी हम निकल गए हैं दूसरा वीडियो। 3 गाड़ी आगे निकल चुका है, टाइम मोड़ वोड़ पे रुका होगा, हम लोग भाई पेट्रोल लेने में रुक गए थे। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको दिखाएंगे कि मिसाइल कहाँ रखाया हुआ है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, तो पता चलेगा देवघर में मिसाइल। ये है झारखंड सशस्त्र पुलिस, भैया लंबा लंबा ट्रक है, एचपी गैस। ये गाड़ी इधर है, हरार ये आगे दो, एक हम लोग और एक पीछे, हो गए 4। भैया जाओ तुम ही आगे, खतरनाक है। गांव के रोड ऐसे ही है, पानी में है, सड़क की सड़क में पानी हो पता नहीं चलता ही है। देखिए आ गए हम लोग पहाड़ के नज़दीक, दिखने में लगता है नज़दीक है लेकिन रहता है दूर। रास्ते पे जाना है, खतरनाक रास्ता है, ये तो पूरा गड्ढा है, ये पूरा लगता है रेलवे का बन रहा है क्या? बाप रे, विशाल का है मशीनरी। कहाँ जाएगा? हसदिया। अच्छा हसदिया जाएगा, जो रेलवे लाइन देख रहे हैं ये अपना देवघर से मिल जाएगा, ये हसदिया जाएगा, तो हसदिया देवघर लाइन इसको मेन लाइन से जोड़ देगा। उधर का जो लोग है गोड्डा वगैरह वाले, उनके लिए आराम हो जाएगा। देवघर को एकदम पूरा मुख्य शहर है झारखंड का, प्लेन हो ही गया, एयरपोर्ट, सड़क भी चारों तरफ बन ही रहे हैं, बहुत बन भी गए हैं, और अब रेलवे लाइन से भी जोड़ा जा रहा है। तो अपना देवघर है भाई, ना ना इधर हम लोग पहली बार आए हैं, तो गाड़ी अब यहीं खड़ा करेंगे फिर जाएंगे पहाड़ों पर। बॉबीदा आज साजी धो रहे हैं, पहाड़ों से आ रहा है ये पानी, शिला टाइप का जैसे टेंशन तो रहने लेना वो जो देख रहे हैं शिला जैसा आपको दिखाते हैं, ये शिला वहीं पे जाना है हम लोग को। और गर्मी बहुत हो रहा है और पहाड़ पे भी जाना है, 1 किलोमीटर और जाना है। पहाड़ में अजगर वगैरह बहुत रहते हैं अभी बताया गया मुझे, लेकिन बाबा का सेवा है, बाबा के हम भक्त हैं, कुछ नहीं होने वाला है। हर हर महादेव। पानी सब लोग अब ले लेंगे,
चले। बढ़िया से ऐसे लपेट करके कमर में बांध लेना है। यही स्टाइल है पहाड़ में पानी ले जाने का। काफ़ी दुर्गम रास्ता है, पूरा पत्थर ही पत्थर है, ये ट्रेंच कटा हुआ है पूरा। रास्ता नहीं है, कांटा भी भरपूर है, रास्ता भी बनाया जा रहा है साथ साथ। अभी हम लोग थोड़ा सा ही चढ़े हैं, अभी तो 20%। देखिए यहाँ से गाड़ी भी दिख रहा है, सुंदर नज़ारा। बहुत ज़बरदस्त काटा था रास्ते में, लेकिन हर हर महादेव। धूप दिखाया जाएगा, एक बेलपत्र का गाछ मिला है नीचे, लेकिन जाना है वहाँ ऊपर में। हरियाली ही हरियाली झारखंड का, एक नंबर, जय झारखंड। मुन्नू भैया तो थक गए हैं आप, जितना वॉक है ना, मॉर्निंग वॉक, सब मॉर्निंग वॉक यहाँ पूरा हो जाता है, कैलोरी जो है ना घट जाता है यहाँ पे आकर के। सहित नाना देव देवियो नमः नमः पार्वती हर हर महादेव। दोनों पीछे हैं अभी, अपनी बारी का इंतजार करते हुए, लेकिन अभी और ऊपर जाना है। यहाँ से 5 पत्ती तोड़िए और आगे धीरे धीरे साइड दीजिए। रास्ता भी बनाना है तो रास्ता बनाया जा रहा है मार मार के। उधर देखिए डंडा से तो वहाँ जाना है ऊपर ऊपर। अभी देखिए यही रास्ता है। हर हर महादेव, हर 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 हर। बहुत ही दुर्गम है लेकिन आनंद है। अभी और ऊंचाई पे जाना है, बाबा का साजी है साथ में, कोई परेशानी नहीं। अच्छा इसी में पूरा जो है इलाका में बेल का गाछ दिख गया मेरे को। अच्छा यहीं पे है पूरा, अब बेल दिख रहा होगा आपको, तो बहुत छोटा पेड़ होता है पहाड़ पे। सिमुतल्ला में एक से एक पत्ती है बाबा। सिमुतल्ला चल सकते हैं हम लोग कार से, दर्शन कीजिए, एक नंबर बेलपत्र का, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। हर हर महादेव, एक से एक पत्ती, चढ़ाई पूरा काटा बहुत ज़बरदस्त, लेकिन पत्ती लाजवाब। पानी पी लेते हैं उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। अब बेलपत्र बहुत तोड़ लिए हैं, थक गए हैं, ये लोग अभी तोड़ ही रहे हैं ऊपर। बबीदा इधर, मनोज बहुत नीचे भी उतरना है, अब नीचे उतरेंगे। हो गया हर हर महादेव, अभी भी लगता है बॉबी दाग माया है। आ गर्दा, अरे वाह, अरे बाप रे बाप, और बहुत ही शानदार दृश्य। बड़ा सुख लग रहा है भाई, को बयां नहीं कर सकते हैं। हर हर महादेव। अब हम लोग नीचे उतर गए हैं ज़मीन पे, और बहुत ऊंचा ऊंचाई पे थे हम लोग, और बहुत अच्छा लगा सब लोग, मज़ा आ गया। इधर काटा है, साइड से चलना। अभी साजी का पूजा होगा और उसके बाद हम लोग फिर घर की ओर निकलेंगे। इस पहाड़ में एक खासियत और है, प्राकृतिक की छटा तो भरपूर है, बेलपत्र का खजाना भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है कि DRDO के द्वारा उस साइड में, इसके पीछे में पूरा मिसाइल उसाइल रखा गया है, तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग आम आदमी नहीं जा सकते हैं। वहाँ भी हम लोग पहले बेलपत्र तोड़ने जाते थे, लेकिन अब मना है। वहाँ पूरा मिसाइल और गाड़ी, और वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे तक पूरा सड़क बना दिया गया है पहाड़ के ऊपर तक, वहाँ तक गाड़ियाँ मिलिट्री की जाती है। लगभग 8-10 साल रिसर्च हुआ था इस मामले में कि कहीं ये पहाड़ टूट तो नहीं जाएगा। पूरा इसको होल कर करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से उन्होंने पहाड़ की जो मजबूती का दंड होगा
वो नापा था, और फिर यहाँ पे फैसला लिया गया कि यहाँ पे मिसाइल रखने सुरक्षित है। ऐसे ऐसे उतरते जाओ, एक नंबर पत्ती सब दिखने लगता है। पेशेंस रखना होता है पत्ती तोड़ने के लिए थोड़ा। और ये लोग पहले से यहाँ पहुँच गए हैं वेरी फास्ट। वहाँ पे पकवा को पानी पूरा झरना गिरते रहता है वहाँ से। चले झरना के पास, वहाँ पे शादी को धोएंगे। चलिए घर की ओर। साजी उठ गया है, चलिए। रास्ता पूरा एकदम पूरा मिट्टी में है, बरसात का समय है तो पूरा कीचड़ कीचड़ भी हो गया है। ये आप देख सकते हैं पूरा एकदम कच्चा मिट्टी पूरा भी बिछाई है। घर पहुंच गए हैं और इसको यहाँ मंदिर पे रख देते हैं। फ्रेश हो ले, थोड़ा मुंह हाथ धो ले। अब है जो है बेलपत्र को समेटा जा रहा है पत्ती। आशीष जी दिखा दिखा भाई, तो देखिए सुंदर सुंदर प्यारा छोटा सब तरह का देखिए। क्या बात है, ये देखिए पत्ती। हाय 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 हाय, देखें क्या सुंदर। अभी रात के बज रहे हैं एक, यह जबरदस्त नींद। एडिटिंग भी कंप्लीट हो गया, अब इसे अपलोडिंग में डालता हूँ। और ये ब्लॉग आना था सोमवार को, बाहर चला गया था तो ये ब्लॉग हो गया है दो दिन लेट। और दो दिन हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया तो सॉरी इसके लेकर के। उम्मीद है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव का नारा लगा दीजिएगा। ये शुभ रात्रि, हर हर महादेव, बाय बाय। सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खा